रैशनल फंक्शन क्या होता है हमारे पास, ये फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स अपॉन क्यू एक्स साइज दैट क्यू एक्स और पी एक्स क्या है आर पॉलीनोमियल्स वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलीनोमियल्स ठीक है पॉलीनोमियल किसी भी डिग्री के तो पॉलीनोमियल होंगे और कंडीशन क्या होगी एंड क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ये कंडीशन है हमारे पास ऐसा फंक्शन हमारे पास कहलाता है रैशनल फंक्शन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन तो इस टाइप के फंक्शन के पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल तो उनकी डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं इसको स्टडी करते हैं अच्छा इसमें हमारे पास एक होता है प्रॉपर रैशनल फंक्शन एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन प्रॉपर में क्या होगा हमारे पास जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन होती है कि न्यूमरेटर में जो है अच्छा जो फंक्शन की बात करें तो न्यूमरेटर में जो ऊपर जो फंक्शन आएगा पी ऑफ एक्स आएगा उसकी डिग्री अगर कम हो क्यू ऑफ एक्स से तो हमारे पास प्रॉपर रैशनल फंक्शन आता है और अगर इम्प्रॉपर कब होगा अगर पी ऑफ एक्स की डिग्री जो है वो बड़ी हो क्यू ऑफ एक्स से तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन कहलाएगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉपर प्रॉपर लिख देते हैं यहाँ पर प्रॉपर रैशनल फंक्शन एग्जाम्पल देखते हैं इसमें आपको समझ में आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इसकी एग्जाम्पल है प्रॉपर की हो गई और इम्प्रॉपर की देते हैं अगर इम्प्रॉपर इसमें हमारे पास हो सकती है एग्जाम्पल कोई भी एक्स क्यू प्लस वन डिवाइड बाय एक्स ये सब हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा अब इसकी डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाती है इसको स्टडी करते हैं लेट करें हमारे पास एग्जाम्पल है f of x equal to x square plus 3x plus 2 divided by x plus 1 ठीक है तो इसकी हमें फाइंड करनी है अच्छा कंडीशन हमारे पास क्या होती है q of x is not equal to 0 मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये p of x है और थर्ड सेकंड पॉलिनोमियल क्या है q of x है तो q of x is not equal to 0 इट मीन दैट ये 0 कब होगा अगर x equal to minus 1 हो जाए कंडीशन फिर हमें लिखनी पड़ेगी x is not equal to minus 1 अब हमें फाइंड करनी है इसकी डोमेन तो सिंपल तरीका आपके पास क्या है डोमेन फाइंड करने के लिए आप क्या करें डिनोमिनेटर को इक्वेट करवा दें जीरो के ठीक है यहाँ आपके पास क्या है डिनोमिनेटर का एक्स प्लस वन फोर या एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो के करवा दें
ठीक है, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, आपके पास यहाँ एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी जो कि इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगी। एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो इट्स मीन दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ से आपने सोल्यूशन शुरू किया इसका, एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स की वो वैल्यू माइनस वन है जहाँ पर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड कंडीशन पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड बाई एनी नंबर जीरो नॉट पॉसिबल। तो अनडिफाइंड कंडीशन कब आएगी, जब हमारे पास एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा, तो हम कह सकते हैं इट्स मीन दैट डोमेन क्या होगी, डोमेन पॉलीनोमियल के हम चेक कर चुके हैं डोमेन क्या होती है, हमेशा अगर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं हो डोमेन होती है हमारे पास ऑल रियल नंबर्स, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स वो हमारे पास डोमेन होती है। तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉलीनोमियल की रियल नंबर माइनस माइनस वन, माइनस वन को अगर निकाल दिया जाए सेट ऑफ रियल नंबर से तो आपके पास बाकी जो नंबर बचेंगे आपके पास होगी डोमेन। इसको एक और लिखने का तरीका कार क्या है, तो क्या आप मैथमेटिकल लिखेंगे तो आपने उसको ये सीखना है, क्या लिखेंगे आप इसको, डोमेन इक्वल टू रियल नंबर कहाँ से होंगे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी सारे रियल नंबर होंगे, तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, फिर आएगा यूनियन एंड माइनस वन कॉमा इन्फिनिटी। अब ये कैसे लिखा हुआ है, क्या डिफाइन कर रहा है, क्या चीज बता रहा है, इसको समझते हैं। इट्स मीन दैट ये माइनस वन इंक्लूड नहीं है, इसकी जगह मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस वन इंक्लूड नहीं ओपन इंटरवल लगाया है, तो माइनस वन के अलावा यहाँ पर क्या है, जो भी नंबर होगा सब के सब इंक्लूडेड है, सिर्फ माइनस वन को निकालना है। इससे नीचे माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर सबके सब नंबर इंक्लूडेड है, यहाँ से ऊपर माइनस वन के आगे क्या होगा, नंबर जीरो होगा, ठीक है, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड है तो आपको लिखना पड़ेगा सर आपके हाथ से इंटरवल के जरिए। तो माइनस वन के ऊपर जीरो, पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, इन सारे नंबर इंक्लूडेड हैं, इन सब के ऊपर जो इन सब डोमेन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, जो आउटपुट आएगा, जो रेंज आएगी हमारे पास कोई ना कोई क्या होगी, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ माइनस वन पर अनडिफाइंड कंडीशन आएगी, तो इसलिए हमारे पास उस माइनस वन को हमने इस तरह से बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको समझा दिया है, आप लिखेंगे वो नंबर आपने बाहर निकालना है माइनस वन लिखेंगे, फिर आप लगाएंगे ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल माइनस वन कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी, बाकी सारे सारे नंबर इंक्लूडेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डोमेन आ गई, अब हमें फाइंड करनी है रेंज। अब अगर ऐसे फंक्शन हो आपके पास और आपने उनकी रेंज फाइंड करनी हो, तो अब बारी बारी आप वैल्यूज पुट करने के बजाय आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप देखें इसको फंक्शन लिखें दोबारा से, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, यानी कि वाई इक्वल टू कैसे इसको वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो वाई इक्वल टू यहाँ से आप क्या करें, इसको फैक्टराइज कर लें, सिंप्लीफाइड कर लें, और सिंप्लीफाइड करने के बाद आपके पास फिर आप इसकी रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये है, आप क्या करें सिंप्लीफाइड कर लें अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होती है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, इसमें अगर मिड टर्म ब्रेक कर दूँ इसकी इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एंड डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, अब इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, एक्स इंटू एक्स प्लस वन और प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स प्लस वन, ठीक है, और इसके अलावा एक्स प्लस टू बचे, ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस वन से
कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यही लिखते हैं यहाँ पर, y इक्वल टू x प्लस टू, ठीक है। अब y इक्वल टू x प्लस टू, अब यहाँ पर आप क्या पुट करना है, आपने यहाँ पुट करना है x इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। x इक्वल टू माइनस वन पर निकाल लेते हैं क्या वैल्यू आती है y की, इसको हम रेंज से बाहर निकाल देंगे, पुट देखो डोमेन का हिस्सा नहीं है तो उस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, पुट x इक्वल टू माइनस वन, तो y आ जाएगा हमारे पास माइनस वन प्लस टू इक्वल टू प्लस वन, तो y इक्वल टू वन, विच मीन दैट रेंज में वन शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें रेंज के अंदर जो डोमेन है हमारी माइनस वन नहीं है, माइनस वन पर आपके पास आंसर वन आता है, तो इट्स मीन दैट रेंज हमारी वन के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकती है। इसमें क्या लिखेंगे, लिखने का तरीकाकार क्या है इसका, आर इक्वल टू या रेंज इक्वल टू, रेंज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस वन, वन को एक्सक्लूड कर देंगे, वन को बाहर कर देंगे, तो हमारे पास फंक्शन की रेंज डिफाइन हो जाएगी। इसके अलावा हम कैसे लिखेंगे इसको, इट्स मीन दैट रेंज विल बी ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू वन, ठीक है, वन शामिल नहीं है, वन कभी भी नंबर नहीं आएगा, कोई भी आउटपुट ऐसा नहीं वन हमें, वन हमें आउटपुट नहीं मिल सकता, वन को हम एक्सक्लूड कर देंगे, यूनियन वन कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास अगर कोई और एग्जांपल है, सर हम ये दोनों ये स्टूडेंट्स पूछें, मैं पूछ रही थी कि ये दोनों तरह आंसर लिख सकते हैं हम, जी दोनों तरह लिख सकते हैं, लेकिन बेटर जो होगा आपके लिए ये होगा, ठीक है, आपने बेटर ये लिखना है कि आपको इस तरह से आपको इंटरवल किस फॉर्म में आपको लिखना आना चाहिए, ये आपके पास इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए, ये डोमेन होगी आपके पास, पहले आपने समझ लेना है कौन सा नंबर आपने बाहर निकालना है, ठीक है, पॉलीनोमियल में से, पॉलीनोमियल का डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स होती है, तो यहाँ पर डिफाइन नहीं है उसको आप बाहर निकाल दें, लिखने का तरीका आपने ये बताना है, डोमेन ये हो जाएगी, इसी तरह से आपने फिर उसकी रेंज भी बतानी है कि रेंज कौन से नंबर पर, ये जो है वन हमें कभी नहीं मिल सकता, इसमें ये वन हिस्सा नहीं है इसकी रेंज का, तो वन को हम बाहर निकाल देंगे तो रेंज हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी। मजीद एक दो एग्जांपल करते हैं, तो हमारा जो रैशनल फंक्शन है ये मुकम्मल हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास, आई थिंक ये हो जाएगी आपसे, मैं लिख देता हूँ कि आप करेंगे, ट्राई करिएगा, बिल्कुल सेम इस तरह से है, ट्राई योरसेल्फ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन डिवाइड बाय x माइनस फोर, ठीक है, और हमें डिफाइन कर देंगे x इज नॉट इक्वल टू फोर, तो सेम वैसे क्वेश्चन इससे पहले से हम करवा चुके हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पहले में करेंगे इसमें डोमेन फाइंड कर लेंगे, तो डोमेन इसकी क्या होगी, आप यहाँ पर x माइनस फोर इक्वल टू जीरो इक्वेट करवाएंगे, यहाँ से आपका x इक्वल टू फोर यानी कि आपकी डोमेन आ जाएगी, आप फोर को एक्सक्लूड करवा देंगे तो आपको बाकी जो बचेगी वो आपकी डोमेन होगी, और रेंज आपने कैसे फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करने के लिए वही आप करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करके आप कैंसिलेशन करवाएंगे, कैंसिल करवा कर आप वही जो डोमेन की वैल्यू जो आ रही है इस पर डिफाइन नहीं है फंक्शन वो आप पुट करेंगे, तो वहाँ पर जो रेंज की वैल्यू आएगी उसको हम एक्सक्लूड करवा देंगे उस वैल्यू को, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन, ये आपने बिल्कुल सेम पिछले एग्जाम्पल की तरह आप उसको ट्राई कर लेना है इसको। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन मैं करता हूँ, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं,
रैशनल फंक्शन के लिए ठीक है, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, हमें बताना पड़ेगा एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री। तो डोमेन हमें इस तरह से निकालनी है। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी आपकी, वैसे आप इसको देख के बता सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन वैसे जो आप तरीका है वो बताया गया है। क्या करेंगे, सिंपली आप एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो रखेंगे। इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस थ्री, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस थ्री पर फंक्शन अनडिफाइंड कंडीशन आ जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस माइनस थ्री। ठीक है, बाकी इसकी जो है यूनियन की फॉर्म में कैसे रखेंगे आप, इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस थ्री यूनियन माइनस थ्री कॉमा प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री के अलावा फंक्शन हर जगह पर डिफाइंड है। इसके बाद फिर रेंज फाइंड करनी है हमें। अब देखें, रेंज फाइंड करनी है यहाँ पर, तो हो नहीं रही फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो कुछ कैंसिलेशन होकर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जिसके अंदर कुछ, ये हम पुट करवाएंगे डोमेन की वैल्यू और हमारे पास रेंज की वैल्यू ऐसी आ जाएगी जो इस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, इसको हम लिखते हैं वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें कर लेना है इसको, ये फंक्शन डिपेंड करता है वाई पर, इसको हमने डिपेंडेंट ऑन एक्स बना लेना है। इसको कैसे बनाएंगे, वाई इंटू एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा x y प्लस थ्री वाई इक्वल टू वन एंड x y इक्वल टू वन माइनस थ्री वाई एंड x इक्वल टू वन माइनस थ्री वाई डिवाइड बाय वाई। ठीक है, अब जब भी आपके पास ऐसा हो फैक्टराइजेशन नहीं हो रही होगी, तो आपने क्या करना है, डिपेंडेंट ऑन वाई था इसको आपने डिपेंडेंट ऑन एक्स बना लेना है, सारे रियल नंबर शामिल होंगे। अब इसकी रेंज फाइंड करनी है, रेंज के लिए हमारे पास सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसके डिपेंडेंट ऑन वाई है फंक्शन, तो आप इसको डिपेंडेंट ऑन एक्स बना लेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें वाई की वो वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम डोमेन निकालते हैं तो वाई की वो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो y इक्वल टू जीरो पुट करने पर आपके पास क्या करते हैं, y इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट रेंज क्या हो जाएगी इसकी, सिंपली ऐसे हमने पिछले सवाल में क्या कर रहे थे, इसमें पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, वहां पर हमारे पास जिस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड होता है उसको हम एक्सक्लूड करते निकाल देते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर y इक्वल टू जीरो को पुट करें, पुट y इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट y इक्वल टू जीरो के ऊपर अनडिफाइन हो जाएगा। y इक्वल टू जीरो पर अनडिफाइन होता है तो क्या हो जाएगा, इट्स मीन रेंज में से ऑल रियल नंबर्स माइनस जीरो, रेंज कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, ये मैं रेंज फाइंड कर ली। तो इसको बस लिखने यहाँ पर, अगर आप इसको लिखें इंटरवल के फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो
यूनियन जीरो कॉमा वन, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी रेंज ऑफ द फंक्शन। अब एक बार और एग्जांपल करते हैं इसकी, रैशनल फंक्शन की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, x is not equal to 4, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y की फॉर्म में अगर लिखो तो, चलो तो रेंज निकालते हुए लिखते हैं इसको। सबसे पहले आपने देखना है x माइनस फोर इक्वल टू जीरो करवाएं आप, सॉल्यूशन डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 4 पर फंक्शन अनडिफाइन होगा, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस 4, ठीक है, जिसके आपने निकाले नहीं इंटरवल के फॉर्म में। इसके अलावा अब हम फाइंड करते हैं रेंज, रेंज की बात करें तो y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिपेंडेंट ऑन y बना लेना है, ठीक है, पहले डिपेंडेंट ऑन x है, x पे डिपेंड कर रहा है y आपका फंक्शन हुआ, अब x के बजाय आपका y पे डिपेंड करे, इस तरह से आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है, तो क्या हो जाएगा y इंटू x माइनस 4 के, तो साइड देखते हो आपके बोर्ड में क्या आ गया, y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4, यहाँ से हो जाएगा आपके पास y इंटू x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1, इसके बाद क्या हो जाएगा y x ये x y माइनस 4 y इक्वल टू x माइनस 1, हमने अब x को अलग करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा y x माइनस 4y इक्वल टू x माइनस 1, ये हमारे पास यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई लिख सकता हूँ उसको मैं, एक्स वाई माइनस एक्स वहाँ शिफ्ट कर देंगे, एक्स को अकेला एक साइड पर कर देंगे, और यहाँ से माइनस फोर वाई है वहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, फोर वाई माइनस वन, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एक्स इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू फोर माइनस वन, इसके बाद ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू फोर वाई माइनस वन डिवाइड बाय वाई माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स, हो जाएगा वाई माइनस वन, अब x इक्वल टू फोर वाई माइनस वन डिवाइड बाय वाई माइनस वन। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट y माइनस वन इक्वल टू जीरो, वही काम जो पहले करते हैं डोमेन के लिए वही रेंज के लिए करना है, पुट y माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू वन, इट्स मीन दैट y इक्वल टू वन पर आपका जो फंक्शन है अनडिफाइन हो जाएगा, तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, रेंज इक्वल टू r real number minus 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगी रेंज। इस फंक्शन के हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली यहाँ पर, ठीक है,
जिस तरह से कोई आपका रैशनल फंक्शन अगर आ जाता है तो आप उसकी डोमेन और रेंज